And on this star-studded night, I'd now like to call on stage for a sizzling and electric comedy, the Comedy Circus Season 2 winner, VIP. Oh, oh, um, sorry, just wait a second. I've got a phone call coming in. Hello? Oh, um

या नमस्ते लालू जी जय राम जी की बढ़िया है बिल्कुल ठीक ठाक आ है, आ रहा आ, रहे, आ रहे बस। बहुत अच्छा लगा कि आप वक्त निकाल के हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं आज कहिएगा मुझसे कि अगर वापस आपको रेलवे मिनिस्टर का पद मिल गया तो क्या करेंगे आगे जाके बता रहे सबसे सब पहला राम जी की आ रहा जोर से बोलिएगा हम बिहार से नहीं बाहर से आ रहा <laughs> रेलवे में नयापन हम ई करूंगा हम पूरा भारत को प्रदूषण मुक्त कर दूंगा पूछो कैसे अरे ट्रेन वहां से इंजन हटा दूंगा वो ससुरा कोयला वोयला जाता धुआं नहीं करता प्रदूषण होता है कि नहीं होता है। अभी सोचो कि ट्रेन चलेगा कैसे चार पाँच लगा देंगे भाई से और है कहा एक और सवाल हमसे कहा गया है कि आप बहुत अच्छा नाचते हैं नाच में बहुत दिलचस्पी है आपको आजकल नाचेंगे नहीं नाच गाने का शौक है ये बताइए कि आज का प्रोग्राम में कौन गोविंदा का गाना तो नहीं बजाना गोविंदा का गाना हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ होना भी नहीं चाहिए पूछो का है अरे वो गोविंदा गाने में बोल रहा है चुम्मा तुमको धार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले आरू का नाम है लंबी वाली हीरोइन शिल्पा शेट्टी वो बोल रही है दिल वालों का दिल का करार लूटने में आई हूँ यूपी बिहार लूटने अरे तू कहा लूटेगी से पहले हम लूट के बैठा अब दुकान खोल लू जी हाँ तो साथियों सबसे पहले मैं कोई लालू कोई चालू नहीं हूँ मेरा नाम है वी आई पी मैं कोई ब्रीफ केस नहीं हूँ मेरा नाम ही वी आई पी वी से मेरा नाम विजय आए से मेरे डैडी का नाम ईश्वर लाल पी से पवार तालिया थैंक यू लालू के अलावा और एक कलाकार देखता हूं पहचाने कौन सा कलाकार है और वो कलाकार है और वो कलाकार है भारत <laughs> माता किसी को कुछ भी नहीं आता अरे वेल जी भाई जब भी आता जोरदार ताली बज जब अभी तक बजी नहीं है कसम क्या कर रहे बजी बजी। अच्छा आप लोगों ने फिल्म हेरा फेरी देखी है उसी फिल्म का एक सीन आपके सामने पेश कर रहा हूं जब परेश रावल के घर पे फोन आता है परेश रावल जी क्या कहते हैं सबसे पहले उनके घर पे फोन फिल्म हेरा फेरी हेलो देवी प्रसाद है देवी प्रसाद आर कोण देवी कोण प्रसाद देवी का प्रसाद मंदर्म राखी री तो रात दुसरे दिन फोन आता हेलो देवी प्रसाद मेरा मछली का क्या होता मछली मस्त तेल में मस्त फ्राई करके खाच माइला तेरे को बोला फोन करनाकनी रख दे देवा राखी री तो रात इसके पहले लालू प्रसाद फिर परेश रावल अब तीसरा कलाकार मैं कौन दिखता हूं यह पहचानिए और ये तीसरा कलाकार अचराधी थाम कर बैठिए। ये तीसरा कलाकार है और ये तीसरा कलाकार है ऋतिक रोशन नहीं लगता हो क्या थोड़ा भी नहीं इतना भी नहीं शायद आप लोग बहुत दूर बैठे आप लोगों को लग नहीं रहा मैं मैं ऋतिक रोशन दिखता हूं साइड से अभी लगा नहीं लगा पीछे से कौन बोला हाँ जरूर दिल पे लगा होगा वैसे मैं जानता हूँ ऋतिक लगता नहीं ऋतिक रोशन मुझे देख लेगा तो आत्महत्या कर लेगा

सुनने को बेकरार है अम्मा बहन जी मैडम कहो ना प्यार है। कहो ना। सभी औरतों ने मिलके उस भिखारी को अगले स्टेशन पर उतार दिया उसी ट्रेन में बाजू के डब्बे में मैं था ये गाना सुनकर एक आदमी ट्रेन से कूदने के लिए जा रहा था सुसाइड आत्महत्या करने के लिए जा रहा था मैंने उसे पकड़ा भाई साहब आप ट्रेन से क्यों कूद रहे हो तो उसने कहा ट्रेन से थोड़ी कूद रहा हूँ वो गाना रहा मैं डांस कर रहा हूँ ना। बोला डांस के, के लिए जा रहे और तो रह हमारे ऋतिक रोशन ने डांस निकाला खुजली वाला डांस ए मेरे दिल तू गाए जा ए आ, ए आ, ए आ, ओ, ए अगर ये फिल्म पचास साल पहले आती इस फिल्म का गाना पुराने जमाने के सिंगर के एल सहगल साहब गाते तो कैसे लगता आवाज पसंद आए जरूर ताली चाहूंगा सहगल साहब गाना गा रहे इसी गाने को अपने अंदाज में आ, आ दिल मेरा सुनने को बेकरार है कहो न प्यार है कहो न प्यार है मैं जानता हूं ताली मेरे ने बजी सीटी मेरे ने बजी, ये ताली बजी सीटी बजी सैगल साहब के लिए क्योंकि पहले के सिंगर बड़े होते थे बड़े अच्छे होते थे मगर आजकल के सिंगर देखो बेसुरो टोपी वाले हिमेश जी टोपी पहन के क्यों गाता है ऊपर देख के क्यों गाता है उनके साथ एक हादसा हो गया पहले ये भी इंसानों की तरह गाते थे अपना गाना गुनगुना बिना टोपी पहने बिना ऊपर देखे गाना था ओ, किसी ने ऊपर से कुछ फेंक के मारा ले खजूर अब जैसे सर पे लगा लागी 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 अगले दिन टोपी पहनी जिसने मारा उसको गाने में ढूंढ रहा पत्थर उठा गया झलक दिख ला जा एक बार आ जा, 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 जा एक बार एक बार टोपी निकल कुछ ना कुछ जरूर आएगा अब मेरा खास और मत कर तो भी करता हूँ इतना फेवरेट है फेवरेट इसलिए जब हम और आप बच्चे थे हम लोग कैसे रोते थे गैस कीजिए जब फिल्म स्टार ये लोग बच्चे थे ये लोग कैसे रोते थे आवाज बच्चे की स्टाइल वही है जब शत्रु घनशना पैदा हुआ होगा कैसे रोया होगा आवाज बच्चे की स्टाइल वही अगर पसंद आए जरूर चाहूंगा ये मेरा खास और मेरा फेवरेट आइटम है शत्रुघंजना पैदा होते ही आगा। 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 अशोक कुमार बीमार बच्चा कैसे रहेगा झूले के अंदर बस कराके उन्होंने देखा। कर। शाहरुख़ खान घमंडी बालक। एक अंकल शाहरुख़ खान को प्यार करे, शाहरुख़ खान झूले के अंदर है। अंकल को प्यार करे, अंकल गुस्सा अंकल ने छुट्टी भर दी। सबसे पहले झूले के अंदर शाहरुख़ खान। अले ले 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 ले। अले ले ले।, ले, ले ले। अबे तेरी तो? सैफ अली खान ये बच्चा इतना प्यारा बच्चा इस बच्चे को दूध मत पिलाओ बिस्किट मत खिलाओ चुपचाप बैठेगा लेकिन जब कोई लड़की दिखी रोना शुरू बोला चुप कराओ सबसे लकी बच्चा देवानंद पैदा होते ही हर नर्स की गोद में खेल खेल के रोया हॉस्पिटल की एक नर्स को नहीं छोड़ा सबकी गोद में जा जाकर रोया जो नर्स हॉस्पिटल में नहीं है उसके घर पे जाकर रोके आया देव साहब पैदा होते एक नर्स की उंगली मुंह में धपाक तब से देव साहब आज तक ऐसे ही है अच्छा आप लोग हिंदी फिल्में देखते हो क्यों देखते हो यार <laughs> अच्छा हमारी हिंदी फिल्म में इतनी बकवास होती है हिंदी फिल्मों में अगर किसी हीरो को गोली लगती है जल्दी से मरता नहीं जब तक डायलॉग ना बोल ले मरते मरते गाना सुनना चाहता था कि वो गाना सुना फिर मरूंगा मैं राजकुमार साहब को लगी सात आठ गोलिया राजकुमार पहले गाड़ी निकालेगा घर पे जाएगा बीवी दो चार बातें करेगा उसके बाद मर गया राजकुमार सबसे पहले गोलियां राजकुमार गाड़ी राजकुमार गाड़ी से उतरा गोली लगा हुआ घायल राजकुमार अपनी बीबी को आवाज लगा रहा घायल राजकुमार राधा राधा कहा हो तुम राधा बीबी डरी हुई ये डरा हुआ हम बिंदा से राधा क्या हुआ कैसे हुआ नहीं राधा हम मरने वाले नहीं हैं, हम नहीं मरेंगे वो गाना सुनाओ राधा वो गाना सुनाओ जो पर्वत के पीछे के बीच पीछ, मंदिर के पास गाते थे वो गाना सुनाओ राधा वो गाना सुनाओ उसकी गाना सुनाएगी बाद ये मरेगा मिथुन चक्रवर्ती को गन मशीन से मारा जा रहा मिथुन मरने का नाम ही नहीं ले रहा है नाए। 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 अबे मर पूरी गन मशीन खाली होगी ये तो कुछ भी नहीं साउथ की फिल्में देखते हो आप लोग साउथ की फिल्में हिंदी फिल्मों का भी बाप इसमें डबल फेकम फाक यहाँ पे रजनीकांत खड़ा हुआ है वहां पर विलन विलन ने गोली चलाई गोली निकल चुकी गोली रस्ते में तब तक रजनीकांत अपने सारे काम निपटाएगा पहले गोगल मफलर सिगरेट गोली एकदम करीब आ गई रजनीकांत गोली रुक गई गोली रुक गई रजनीकांत आगे बढ़ते गोली पीछे विलन गोली रजनीकांत गोली घुमाती हुआ मर गया और इससे बड़ी फेका मार्ग सुननी है रजिकांत एक विलन के पीछे पड़े हुए गुंडे के पीछे गुंडा अचानक दीवार फांद लिया बहुत ऊंची दीवार है वो चला गया अब कहां पर है पता नहीं अब रजिकांत उसे मारेगा अपने अंदाज में सबसे पहले एक बंदूक हवा में फेंकी बंदूक बहुत ऊपर है तब तक सारे काम में पटाएगा गगल मफलर सिगरेट बाद में दूसरी बंदूक निकाली बिना देखे पहले वाले बंदूक के ट्रिगर पे मर गया उधर और इससे बड़ी बाग सुननी है। बंदूक एक गोली एक विलन दो भगवान भी नहीं मार सकता है। रजनीकांत मारेगा गोली चली गोली निकल चुकी गोली रस्ते में जारी जारी रजनीकांत सारे काम रहा। गोगल मफलर सिगरेट गोली एकदम करीब गई चाकू निकाला गोली के दो टुकड़े दोनों मर गए इसमें चाकू की ईमानदारी और इससे बड़ी फेका बाग है। रजनीकांत के पास खाली बंदूक गोली नहीं अब उससे विलेन को मारना है कैसे मारेगा सबसे पहले सामने वाले विलेन ने गोली चला दी गोली निकल चुकी गोली रस्ते में रजनीकांत सारे का रहा गोगल मफलर सिगरेट गोली आई और आई और आई और आई रजनीकांत ने अपना खाली बंदूक निकाली बंदूक को सामने लिया गोली आ रही है बंदूक को खोला गोली आई फिट हुआ बंद किया ये गोली वो मर गया और इससे बड़ी फेका सुननी सुनिए रजनीकांत अगर हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में होते एक बॉल में 24 रन कर सकते इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान ने बॉलिंग की बॉल निकल चुका अब रजनीकांत पिच पे खड़े बैट भी नहीं हाथ में बैट भी नहीं है पिच पे अपनी हीरो गिरी मफलर सिगरेट फिर पैर से बैट को उठाया आया, और करीब और करीब और करीब बॉल के चार टुकड़े चारों चारो बाउंड बारह छे चौक तो साथियों अब ले चाहता हूं आप लोग को मेरा खास आइटम जिस आइटम मुझे आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मिलेगा ना दोस्तों साथियों लगता है कि जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं वैसे मेरा भी एक रिकॉर्ड मैं बनाना चाहता हूँ मेरा बहुत बड़ा सपना है मुझे लगता है कि ये आइटम के काबिल है मुझे लगता है ये है या नहीं आपकी ताली बताएगी इसके लिए मैं चाहूंगा मानसी जी को बुलाऊंगा मानसी जी मेरा साथ देंगी हाँ मानसी जी एक लिस्ट है इस लिस्ट में टोटल फिफ्टी टू बावन फिफ्टी टू कलाकारों का नाम लिखे हैं आपको हर चार पांच सेकंड में एक एक नाम पढ़ना है जी जरूर मैं नॉन स्टॉप बिना रुके हुए बिना वॉइस में आप सभी का स्वागत करूंगा आप लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सपना है और हर चार पांच सेकंड में आपको पढ़ना है बिल्कुल okay. ready?

पूरी सर अजय मेरा बिल्कुल बेकुल बेक को सुने कुछ और मानता वो बलमान अटल बिहारी किस तरह का मान सम्मान आपने दिया <laughs> देव चुनाव अरे यार मानसी कमाल करती यार। क्या है क्या शक्ति बोलती मैं बड़ा ललिता, मारा चाकू। अरे भाई कुलभूषण करवंदा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बताइयू <laughs> अरे यही तो कहना नही नहीं अरे बेटा धर्म से बढ़ कोई चीज ना होती राधा रानी मैं नहीं चाहता मैं इस दर्शन भी आपसे कुछ ये करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा नाम तुर्योधन है हाय कम बाउखार के घुसा लगा के धक्का धक दक। हाय मसूर में वो पाली अमरीश गुलाटी भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रेमनाथ शादो बना पाप है दर्शन बने

पूरा बिहार के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बताया अच्छा चाहता हूं हम तो बता क्या मैं कहता हूं कहना चाहता हूं इमरान हाशमी इसकी यही आवाज है थैंक यू थैंक यू वेरी मच Thank you, thank you. Thank you. Absolutely incredible. Oh, control here. अच्छा पता है आपको ये आवाज निकालना एकदम आसान है आसान है ये मुझे तो बहुत मुश्किल लगा और सच्ची इतना हंसाया आपने और हंसाना लोगों को बहुत मुश्किल रहता है आपने तो, तो बड़ी आसानी से कर दिया सब कुछ देखिए गूंज रहे हैं आपके नाम से वो तो बच्चे की जान लेगा वंस फॉर निकलवाएंगे नहीं जरूर करेंगे जरूर करेंगे पर जैसे कि मानसी जी मैंने कुछ लोग बोलते हैं आवाज़ निकालता है, कैसे तो मैं आपको आवाज़ सीखा आप लोग वैसे भी सीख रहे हैं। मैं आपको ये आवाज़ काम भी आएगी अगर समय हो तो मैं शायद अभी या बाद में आपको आवाज़ सिखाऊंगा शायद बाद में के आवाज हाँ कुछ ही मिनटों में फिर आऊँगा दोबारा अलग अंदाज में अलग आप आपका वंस ओवर भी जरूर पूरा करूंगा तब तक के लिए मैं वी आप सभी से अलिता चाहता हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच वी आई पी और आपका रजनीकांत को क्रिकेट टीम में डालने का आइडिया बहुत ही अच्छा था अलाइ तार आरिया